What's the hype of this product? So this is BNB. BNB brand को अगर आपने भी इन्हीं सेलिब्रिटीज के एड देख देख कर और इंस्टाग्रामर यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स इन सब के एड्स देख देख के इनकी रिकमेंडेशन पे BNB राइस एक्सट्रैक्ट ब्राइटनिंग ग्लो किट बाय की है, यूज़ की है, नहीं की है या यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल्स दिखाई हैं, बल्कि आपको अप्लाई करके भी दिखाया है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 3 डिफरेंट स्किन टाइप्स पे। ड्राई ऑयली कम्बिनेशन मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुकी हूँ और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। टाइम एंड मनी दोनों वेस्टेड प्रोडक्ट है या नहीं है, अगर रिज़ल्ट है तो कितने हैं, अगर जिन लोगों को अच्छी लगती है उनको क्यों लगती है, और जिनको रिज़ल्ट मिलते हैं कि उनकी स्किन पे रेडनेस आ जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, उनको ये बिल्कुल सूट नहीं की, उनके लिए बिल्कुल रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका अल्टरनेट भी इसी वीडियो के अंदर बता दूंगी और इसके ऑथेंटिक रीज़न भी बता दूंगी अगर मैं इसको रिकमेंड करूं या ना करूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ टोटली नॉट स्पॉन्सर्ड, सो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रोडक्ट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुमैया अरोड़ा, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किट आती है एक बॉक्स के अंदर और बॉक्स इस टाइम पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये 3 प्रोडक्ट होती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर है फर्स्ट प्रोडक्ट BNB बॉडी एंड बॉडी का ब्राइटनिंग राइस फेस वॉश, जो कि ऑर्गेनिक सोर्स से बनाया गया है और यहाँ पर इसके ऊपर बहुत कुछ मेंशन है। स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है और एजिंग से बचाता है, आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए गए, इंग्रेडिएंट्स में क्या हेरा फेरी है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ पे एक्सपायरी वो सब कुछ मेंशन है। और मैं इस प्रोडक्ट को स्कैन भी कर चुकी हूँ, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और बॉडी एंड बॉडी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगवाई है। और ये फेस वॉश है जी, मैंने देखा था इन्फ्लुएंसर्स को, ये टिकटॉकर्स को यूज़ करते हुए कि ये इसका क्रीमी वाइट टेक्सचर है और बड़ा ही स्मूथ है। स्मूथ तो है लेकिन ये इसका इस तरह से ना बड़ा रनी सा टेक्सचर था, और पहले ये वाइट था और क्रीमी था, अब शायद ये ना गर्मी की वजह से इसका टेक्सचर इस तरह का हो गया है। और खैर ये यूज़ करने में बिल्कुल सही है, जिस तरह से फेस वॉश होता है इसी तरह से आप फेस पे अप्लाई करते हैं, मतलब ये जैसे फेस वॉश अप्लाई होते हैं बिल्कुल ये उसी तरह से अप्लाई होता है। कोई जैसे मैंने सुना था कि फॉर्मिंग इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, कोई झाग नहीं बनती, बिल्कुल ये इसी तरह से अप्लाई होता है जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, फेस पे भी ऐसे ही अप्लाई होता है। अच्छा, कुछ फेस वॉश ऐसे होते हैं जिनको वॉश करने के बाद स्किन पे कुछ भी हैवी फील नहीं होता, बिल्कुल स्किन लाइट और ओके होती है, और इसके बाद कुछ ऐसे फेस वॉश होते हैं जिनको वॉश करने के बाद स्किन ऐसे स्लिपरी हो जाती है, उनको जितना भी धो लें वो स्लिपरीनेस ख़त्म नहीं होती, तो ये फेस वॉश उनकी तरह का बिल्कुल भी नहीं है। एक अलग सी इस तरह का, एक टाइम पे पहले भी मैंने ना इस तरह का कोई फेस वॉश यूज़ किया था लेकिन बिल्कुल भी बकवास फेस वॉश था, और बिल्कुल इसी का भी मुझे उसी तरह का वो टेक्सचर लगा है, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का इतना फ़र्क तो आ ही जाता है जितना आपको ये नज़र आ रहा है इसका रिज़ल्ट। लेकिन इसको वॉश करने के बाद ना स्किन पे हैवीनेस फील होती है, जैसे मॉइस्चराइज़र टाइप कोई वो, जैसे थोड़ी हल्की सी हैवी सी फील होती है। आई थिंक जो यूज़ कर चुके हैं उनको अच्छे से आइडिया हो गया होगा मैं किस लेयर की बात कर रही हूँ, ऐसे एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है। आई थिंक जिनको अच्छा लगता है फेस वॉश उनको इसीलिए अच्छा लगता है कि स्किन पे ऐसे लेयर सी जो जम जाती है क्रिएट हो जाती है, स्किन सॉफ्ट उसकी वजह से फील होती है, तो आई थिंक ये वजह है। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस फेस वॉश, ड्राई कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन, इन पर ऐसा ही हैवी फील होता है। जिन लोगों को पसंद आता है उनको ये जो हैवी और ग्रीसीनेस एक सॉफ्ट सी जो लेयर क्रिएट हो जाती है जो हैवी फील होती है, कुछ लोगों को शायद पसंद आ जाती है, इसलिए उनको पसंद आता है ये फेस वॉश। इसके ऊपर भी जो मैंशन किया जाता है और बार बार बताया भी जाता है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री और 100% ऑर्गेनिक सोर्स से बनाया गया है, लेकिन अगर आप खुद इंग्रीडियंट्स देखें तो इसके अंदर भी एसिड्स और केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक नहीं है। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी देखें तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर सबसे जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतना बड़ा ब्रांड है आपको स्पेलिंग भी नहीं आते, अल्कोहल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, और टाइटेनियम और टाइटेनिया ये दोनों एक ही इंग्रेडिएंट है, और बार बार उनको अगेन एंड अगेन उनको रिपीट किया गया है, और बार बार जो चीज़ मेंशन की गई है कि ये राइस से बना है, क्योंकि आवाम जो है ना आवाम के दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठ चुकी है कि कोरियन स्किन केयर में राइस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नो डाउट स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, एजिंग के लिए और स्किन को टाइट रखने के लिए बहुत बेस्ट है,
तो अवाम को बस पागल बनाया हुआ है। अवाम जो है वो उल्लू बन जाती है कि इसके अंदर राइस है राइस है राइस है। और इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर्स और जितने भी ये एक्टर्स हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू कि आवाम आपको फॉलो करती है और आपको देखती है कि आप जो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, आवाम वो अंधाधुंध खरीदना शुरू कर देती है। और यहाँ पे इस किट की प्राइस देखिए, 2350 रुपये इस किट की प्राइस है। वो जो आपको फॉलो करते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस किट को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन पे कि स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी वो बाय कर लेते हैं। और बाद में जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता और बाद में फिर बुरा भला भी कह रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी पॉकेट मनी वेस्ट कर रहे हैं। सो ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, बी ऑनेस्ट विद योर फॉलोअर्स। एनी वे रेट करूंगी 4 out of 10। आई थिंक इसको रेट क्या करना है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका क्यों ज़्यादा पता नहीं है, इतना ट्रस्टेबल नहीं है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। और इसका अगर अल्टरनेट देखें तो आप घर में राइस फेस वॉश खुद बना सकते हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा ग्लो आएगा, वो 100% ऑर्गेनिक होगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी सिस्टर की शादी पर ना एक राइस ग्लो क्रीम बनाई थी और मैंने शायद आपके साथ शेयर भी की थी, अगर नहीं की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने इसकी किट को यूज़ किया है ना, किया है नहीं किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। उस क्रीम से ना बहुत अच्छा फेस पर ग्लो आ जाता है, मैं तो वही क्रीम यूज़ करूँगी। आई थिंक मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप घर में राइस से बनी है फेस वॉश, टोनर, क्रीम, मास्क आप खुद घर में बना के 100% ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ड्राई स्किन के लिए कॉम्बिनेशन ऑयली इस तरह से आप बना के खुद यूज़ करें, उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यकीन करें इतना ज़बरदस्त फेस पर ग्लो आ जाता है उस क्रीम से ना। फेस पर ग्लो तो आता ही है लेकिन स्किन बहुत टाइट हो जाती है, पोर्स श्रिंक हो जाते हैं और फेस पर ब्राइटनिंग भी आती है। तो इस वीडियो का ना लिंक मैं शेयर कर दूंगी और या फिर मैं अगेन आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी हर तरह की स्किन टाइप के लिए किस तरह से आपने वो क्रीम रेडी करनी है, तो आप वो क्रीम यूज़ कर लेना, वल्लाही बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं उसके 100%। मैंने खुद वो यूज़ किया हुआ है, मेरे घर वालों ने यूज़ किया हुआ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और अब मैंने देखा है कि वो क्रीम सलोन्स में भी बना के लोगों को दी जा रही है। और सो ये सब चीज़ें आप घर में इजीली 100% ऑर्गेनिक तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है बार बार बनाना क्योंकि राइस स्मेल कर जाते हैं तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख लें, आपने टोनर बनाया है या आपने क्रीम बनाई है आप उसको अच्छे तरीके से सेव करें और फिर आपका एक वीक तो आई थिंक चल जाता है और इसके बाद आप उसको अगेन बना लें। एंड ये है इस किट का थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट, राइस फेस मास्क, जिसके अंदर राइस तो मुझे दूर तक फील भी नहीं हुए ना फ्रेग्रेंस। हाँ फ्रेग्रेंस मुझे मुल्तानी मिट्टी की बहुत ज़्यादा फील हुई है और मुझे लगता है ये है ही मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि इसको अगर आप पेस्ट बनाएं तो इसका कलर देखें, इसकी स्मेल देखें तो बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी के जैसी है। और इसको अप्लाई करने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ फेस पे, किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट फील नहीं हुआ। अगर मुझे इसने कोई नुकसान नहीं दिया ना तो कोई फ़ायदा भी नहीं दिया। तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट, ये किट 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी है, मुझे जो रिजल्ट मिला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आपको जैसा रिजल्ट मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, कौन सा रिव्यू शेयर करूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।